हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर से मिलकर एक रीडिंग करेंगे और आज की रीडिंग कुछ खास है। क्या खास है इसके अंदर सर? इसमें ये खास है कि ये वो रीडिंग है जो अभी रिसेंटली रियल एग्जाम में आई है। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट रीडिंग। अब इस रीडिंग का नाम है ऑल अबाउट ऑटर्स। क्या नाम है इसका? ऑल अबाउट द ऑटर्स। और ये कब आई थी? ये आई थी 6th of January 2024 को, राइट? अच्छा, अब हम अगर नेट पे जाएं तो ऑल अबाउट द ऑटर्स या ऑटर नाम से दो तीन रीडिंग है, दो तीन अलग अलग तरह के क्वेश्चन है। तो मैंने अभी वो रीडिंग पिक की है जो मेरे को कंफर्म किया गया कि यही आई थी और यही क्वेश्चन थे। इन केस आपको लगता है कि आपको दूसरी रीडिंग भी चाहिए या उसके क्वेश्चन में भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट करके हम मुझे बता दीजिएगा, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए हम ये रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है? ओके, तो कोई भी रीडिंग करने से पहले क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं उसके क्वेश्चन टाइप, ठीक है? चलो देखें इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है। ओके, सो वी हैव पीसीआई पैराग्राफ कंटेनिंग इंफॉर्मेशन, और साथ में है हमारे पास नो मोर देन 3 वर्ड्स और अ नंबर, ठीक है? तो अभी क्या होगा, अभी मैं आपको ये रीडिंग कैसे करनी है करके दिखाऊंगा और साथ में स्ट्रेटेजीज बताऊंगा ये क्वेश्चन हो तो इनको कैसे किया जाता है। प्लीज आपने वही स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी है जो मैं आपको बताने वाला हूं। शॉर्टकट्स नहीं लगाने, बहुत सारे शॉर्टकट्स, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिस बुक्स के अंदर या अदरवाइज जिसमें इनको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके बता रखे हैं, लेकिन वो सारे तरीके ना सिर्फ आपका टाइम ज्यादा लेते हैं बल्कि उनसे आंसर के गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो आपने वही फॉलो करना है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। ओके, उस दूसरे कुछ तरीके तो ऐसे, उनसे तो आंसर तभी आ सकता है अगर आपको आंसर पहले पता हो। अगर मुझे आंसर पता हो तो उसको जस्टिफाई करना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन जब जिस तरीके से मैं करूंगा उस तरीके से आप खुद अपने आंसर आपके सामने निकलते हुए नजर आएंगे। नाउ आई विल रिक्वेस्ट यू कि इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो एक कॉपी और पेन अपने पास रखें और साथ साथ आप भी रीडिंग को सॉल्व करें, मेरे साथ साथ आप भी रीडिंग को सॉल्व करें, और फिर लास्ट में आपने कमेंट करके मेरे को बताना है कि आपके कितने आंसर ठीक हुए थे और कितने आंसर गलत हुए थे। और ये आपका रियल टेस्ट होगा क्योंकि ये रीडिंग सच में पेपर में आई है, ठीक है? चलिए, तो हमारे पास क्वेश्चन है पीसीआई और दूसरे हैं नो मोर देन 3 वर्ड्स। जो पीसीआई क्वेश्चन है पैराग्राफ कंटेनिंग इंफॉर्मेशन, इनको करने की स्ट्रेटेजी क्या होती है, यू कैन नोट इट डाउन, लिख लो इसको। क्या होती है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके पास, दिखा देता हूं आपको, दिस इज द क्वेश्चन टाइप। तो इसमें आप क्या करोगे, पहले पैराग्राफ को पढ़ोगे। वंस अगेन, आप पहले पैराग्राफ को पढ़ेंगे, देखेंगे उसमें क्या बात की गई है, उसके बाद आप ऑप्शंस पर आएंगे। पहले ऑप्शंस नहीं पढ़नी है, बिल्कुल नहीं पढ़नी है आपने पहले ऑप्शन, क्योंकि अगर आप पहले ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपका मन करेगा कि ये जो ये ऑप्शन है इसी का मैं किसी तरह से आंसर निकाल लूं। जब बच्चे पहले ऑप्शन पढ़ते हैं उनका कुछ जादू सा हो जाता है और वो गलत आंसर निकालना शुरू कर देते हैं। इसलिए जो आपको तरीका बता रहा हूं आपने वही फॉलो करना है। पहले क्या करेंगे आप, पहले पीसीआई के लिए पैराग्राफ कंटेनिंग इंफॉर्मेशन के लिए पहले आप पैराग्राफ पढ़ेंगे। और जो दूसरी हमारी क्वेश्चन टाइप है, दूसरी क्वेश्चन टाइप कौन सी है हमारी, दूसरी क्वेश्चन टाइप है हमारी नो मोर देन 3 वर्ड्स। इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसके अंदर हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसकी डिमांड को समझेंगे, कीवर्ड देखेंगे, फिर स्किमिंग और स्कैनिंग करेंगे। डोंट वरी, दोनों प्रोसेस मैं आपको साथ साथ करके दिखाने वाला हूं। अच्छा, अब यहां पे क्या होगा, इस तरफ मेरे क्वेश्चन होंगे और इस तरफ मेरा टेक्स्ट चलेगा। आई होप कि आपको दोनों चीजें क्लियरली नजर आ रही हैं। तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो पीसीआई है पैराग्राफ कंटेनिंग इंफॉर्मेशन है उनके लिए हमने पैराग्राफ पहले पढ़ना है, तो हमें उस क्वेश्चन को देखने की जरूरत तो बिल्कुल है ही नहीं। लेकिन हाँ, जो हमारे नो मोर देन 3 वर्ड्स हैं इसके लिए हमें क्वेश्चन को पढ़ना और समझना पड़ेगा। चलिए देखें, तो क्वेश्चन क्या बता रहा है हमारा, व्हाट अफेक्ट्स द आउटर फर ऑफ ऑटर्स। अच्छा, इसमें ना कुछ रीडिंग के अंदर जो 10th क्वेश्चन है वो 11th जगह पर है, कुछ में इसी तरह से लिखा हुआ है, तो ठीक है, तो मैंने इस तरह से लिया। अगर उल्टा भी है तो आप वो भी कर लीजिएगा। वैसे भी हमने पैरेलल रीडिंग करनी है तो एक बार में हम 2 क्वेश्चन करने वाले, दोनों क्वेश्चन इकट्ठे वैसे भी कवर हो ही जाएंगे, ठीक है? ओके, अब हम इस केस में क्या करेंगे, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसकी डिमांड को समझेंगे, वो क्या चाहता है वो समझेंगे,
कीवर्ड लेकर फिर हम स्किमिंग और स्कैनिंग करना शुरू कर देंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, व्हाट अफेक्ट्स द आउटर फर ऑफ ऑटर्स। अब ऑटर्स के आउटर फर को क्या अफेक्ट करता है। ओके, आप आई होप आपको पता होगा ऑटर्स क्या होते हैं। ये एक जानवर होता है नेवले के जैसा, जिसको हिंदी में उदबिलाऊ कहा जाता है, राइट। बहुत ही फनी जानवर होता है, खाना खाने से पहले उसको धोता है ये। एक इंसान और एक जीव ही ऐसे ही खाते हैं। चलिए, सो व्हाट अफेक्ट्स द आउटर फर ऑफ ऑटर। ऑटर का जो आउटर फर है उस पर किस चीज का इफेक्ट होता है, अच्छा या बुरा, ये हमें नहीं बताया, लेकिन क्या पूछ रहे हैं कि उसके आउटर फर पर किस चीज का इफेक्ट होता है। अब हमारा यहाँ पे कीवर्ड क्या बन जाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी रीडिंग ही ऑटर के बारे में है, तो ऑटर तो हमारा कीवर्ड नहीं बनने वाला। क्या बनेगा, आउटर फर। तो आप भी जब रीडिंग करेंगे तो वहां पे आपने आउटर फर के ऊपर गोला मार देना है। चलिए अभी तो आप लिख लीजिए अपने पास, 10 में क्या कीवर्ड है हमारा, आउटर फर, ठीक है। तो हम जल्दी जल्दी से रीडिंग को पढ़ेंगे, जहां पे भी आउटर फर आ जाएगा वहां पे हम क्या करेंगे, स्कैनिंग करेंगे। खैर इस रीडिंग को तो हमने वैसे भी ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पीसीआई है, तो इसमें हमें सारे पैराग्राफ ध्यान से पढ़ने ही पड़ेंगे, राइट। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट स्किल इज नॉट नेसेसरी फॉर एशियन शॉर्ट क्लॉड ऑटर्स। ऐसा कौन सा स्किल है जो एशिया के जो छोटे पंजे वाले ऑटर्स हैं, जो एशिया के छोटे पंजे वाले उदबिलाऊ हैं, उनके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या कीवर्ड हो गया, यस यू आर राइट, एशियन शॉर्ट क्लॉड ऑटर्स। जहां भी एशियन ऑटर्स की बात आएगी जिनके पंजे छोटे हैं, जैसे वो बात आएगी वहां पर हम स्लो हो जाएंगे, ताकि हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सके, ठीक है। हमने डिमांड देख ली, हमने कीवर्ड मार्क कर लिए, अब हम पैसेज की तरफ चलेंगे, ठीक है। चलें, आपको मैंने क्या बताया है कि आपने ऑप्शन को शुरू में नहीं देखना, पीसीआई वाली ऑप्शन को शुरू में नहीं देखना, इसलिए मैंने यहां पे वो छुपा रखी है ताकि आप उनको ना देख सके। जब आप रियल टेस्ट करोगे वहां पे आपने खुद उसको छुपा लेना है, ठीक है। वहां पे मैं नहीं हूंगा आपको बताने के लिए, ठीक है। आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बच्चों को कहते हैं बार 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 कहते हैं, लेकिन फिर भी वो ऑप्शन की तरफ जरूर देखते हैं। प्लीज स्टॉप डूइंग दिस एंड यू विल सी देयर वुड बी अ चेंज इंक्रीज इन योर स्कोर, ठीक है। पीसीआई से फिर डर लगना आपको बंद हो जाएगा, अगर आप हमारे कही हुई बात को मानते हैं तो, राइट। चलिए पढ़े इसको, अब हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। मैं आपको सारा समझा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं, आपको जितना समझ में आपने उतना पुश करने समझने की, क्या बात हुई है ना। ऑटर्स आर सेमी एक्वेटिक, कह रहे ऑटर जो है वो सेमी एक्वेटिक, एक्वेटिक होते हैं पानी में रहने वाले, ये क्या है, सेमी एक्वेटिक है। इन केस ऑफ सी ऑटर एक्वेटिक मैमल्स, तो अब ये मैमल्स हैं और वो कैसे हैं, सेमी एक्वेटिक मतलब जमीन पर भी रहते हैं पानी पर भी रहते हैं, सिवाय सी ऑटर के जो सिर्फ और सिर्फ पानी में ही रहते हैं, ठीक है। दे आर मेंबर ऑफ मस्टेलिड फैमिली विच इंक्लूड बैजर, पोल कैट, मार्टन, वीसल, स्टोर्क्स एंड मिंक्स, एंड हैव इनहेबिटेड द अर्थ फॉर द लास्ट 30 मिलियन ईयर्स, एंड ओवर द ईयर्स हैव अंडरगोन सटल चेंजेस टू द कार्निवर बॉडीज टू एक्सप्लोर द रिच एक्वेटिक एनवायरमेंट। बहुत ही बड़ा सेंटेंस है, बहुत सारी चीजें हैं, अब इस फिर मैं आपको बता देता हूं। क्या रहे कि ये ना कोई मस्टेलिड फैमिली के मेंबर है, जिसके अंदर और भी ये जानवर आते हैं, ठीक है। देख रहे इस फैमिली के मेंबर है ये, धरती पर ये पिछले 30 मिलियन साल से हैं, और ये धीरे धीरे क्या बन गए हैं, कार्निवोर बन गए। कार्निवोर क्या होता है, वो जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, ना। तो ये उदबिलाव है, मछलियां खाते हैं ये, और भी देखेंगे और भी क्या कहते हैं, पर हाँ अदरवाइज इतना तो हमें पता है कि मछली खाते हैं, तो इट इज द कार्निवोरस एनिमल, ठीक है। तो हमें क्या पता लगा इसके अंदर क्या बात कर रहे हैं, वो सेमी एक्वेटिक एनिमल है, इस फैमिली के हैं, 30 मिलियन साल से धरती के ऊपर हैं, और कार्निवोर है इनकी बॉडी। आगे बढ़े, ऑटर्स हैव लॉन्ग थिन बॉडी, कह रहे हैं इनकी जो बॉडी है वो बहुत लंबी होती है और थिन होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताया नेवले जैसे होते हैं, तो नेवले की जैसी बॉडी होती है वैसे इनकी बॉडी होती है। एंड शॉर्ट लेग, उनकी जो टांगे हैं वो छोटी छोटी होती हैं। इनकी टांगे छोटी क्यों होती है, आइडियल फॉर पुशिंग डेंस अंडरग्रोथ और हंटिंग इन टनल। अब देखिए उनको ये बॉडी मिली है ताकि वो क्या कर सकें, डेंस अंडरग्रोथ के अंदर अपने आप को पुश कर सकें और टनल सुरंगों के अंदर हंटिंग कर सके। तो उनकी बॉडी स्पेशली ऐसे डिजाइन है कि वो ये काम अच्छे से कर सके, ठीक है। अंडरग्रोथ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, हम इसके में देते हैं, मतलब इसका है कि उसकी बॉडी किस लिए जरूरी है। एन एडल्ट मेल मे बी अप टू 4 feet लॉन्ग एंड 30 pounds, कह रहे जो एक एडल्ट मेल है ऑटर, उसका उन्होंने साइज बताया 4 feet का होता है, और उसकी जो वेट है वो क्या होता है, 30 pounds का होता है। फीमेल्स आर स्मॉलर अराउंड 16 pounds टिपिकली, फीमेल जो है नॉर्मली क्या कहते हैं छोटी होती हैं, और उनका जो वजन होता है वो कितना होता है,
16 पाउंड होता है नॉर्मली, टिपिकली का मतलब होता है नॉर्मली। ओके अच्छा, अब ये रीडिंग में मैं आपको यूजुअली बच्चे जो गलतियां करते हैं वो भी बताऊंगा, क्योंकि मैंने क्लास में बच्चों के साथ करके देखी थी ये रीडिंग, तो कुछ गलतियां मेरे को समझ में आ गई हैं जो वो करते हैं, और वो करने का रीजन बस एक यही है कि जो उनको स्ट्रैटेजी बताई गई तो उस तरह से फॉलो नहीं करते। अगर आप वो फॉलो करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई गलती हो जाए तो हो जाए, बाकी आपकी कोई और एरर नहीं होने वाला। चलिए अब क्या करें, एडल्ट जो होते हैं उनसे हाफ है ये फीमेल्स उनकी, ठीक है। तो यूरेशियन, यूरेशियन का मतलब क्या, यूरोप और एशिया। यूरेशियन ऑटर्स नोज इज अबाउट द स्मॉलेस्ट अमंग द अदर ऑटर स्पीसीज एंड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक शेप डिस्क्राइब एज शैलो डब्ल्यू, ठीक है एक मिनट। द यूरेशियन ऑटर्स नोज इज अबाउट द स्मॉलेस्ट अमंग द ऑटर स्पीसीज एंड हैज अ कैरेक्टर शेप डिस्क्राइब एज अ शैलो डब्ल्यू, तो बताया उसकी नाक जो है वो डब्ल्यू जैसी होती है, किनकी, जो यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं। एंड ऑटर्स टेल और रडर और स्टर्न, कह रहे जो ऑटर की जो पूंछ है जिसको कि रडर और स्टर्न भी कहते हैं, वो क्या होती है, स्टाउट एट द बेस, तो जो उसका बेस है वहां पे वो थोड़ी सी हैवी होती है, मोटी होती है, ठीक है। एंड टैपर्स टुवर्ड्स द टिप वेयर इट फ्लैटन, और जैसे जैसे वो टिप की तरह जाती है वैसे वैसे वो फ्लैट होती है, अपना क्या होती चली जाती है, टैपर्स, उसका जो मोटापा है जो उसका साइज है वो कम होता जाता है, जो उसका जो एंड है वहां पे वो बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, वहां पे क्या हो जाती है, फ्लैट, तो एक फ्लैट की तरह वो बन जाती है। ऐसी पूंछ क्यों चाहिए होगी, पानी के अंदर जो जानवर जब उन्होंने तैरना होता है, जैसे आपने फिश को देखा होगा उसके अंदर फ्लैप सा बना होता है, उस तरह से इसकी पूंछ होती है, पानी का जानवर है तो ये होनी चाहिए। दिस फॉर्म्स पार्ट ऑफ द प्रोपल्शन, देखिए वही बात होगी ना, क्या कह रहा है, इससे क्या होता है, इससे उनको ये एक प्रोपल्शन यूनिट बन जाता है, एक ऐसा यूनिट जो पानी में आगे को धक्का लगाएगा, ठीक है, स्विमिंग फास्ट अंडर वाटर, क्योंकि अगर पानी में आपने तेज तैरना है तो इस तरह की उसको पूंछ चाहिए होती है। फिश की अभी आपने देखा होगा क्या होता है, उसका फ्लैप बना होता है, तो इसकी पूंछ भी क्या है, पहले मोटी होती है और फिर उसके बाद लास्ट में जाके फ्लैट हो जाती है, ठीक है। ऑटर फर कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ हेयर, जो ऑटर का जो फर है उसमें दो तरह के बाल होते हैं। लुक, मैं इसको पूरा क्यों रीड कर रहा हूं, क्योंकि पीसीआई है, अगर पीसीआई ना होता इसके अंदर दूसरे क्वेश्चन होते, फिर हमने जल्दी जल्दी पढ़ के सिर्फ कीवर्ड ढूंढने थे, ठीक है। अब उस केस में हमारे पे जैसे फर आता, हमने कहा था लो भी हमारा आंसर आ गया, यहाँ पे आके हमने रुकना था, ऊपर वाला पढ़ना ही था ध्यान से, लेकिन क्योंकि ये पीसीआई, हमें सारा कुछ इसमें पढ़ना पड़ेगा, और आपने भी यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, सारा पढ़ना है, जितना समझ में आता है वो बात अपने पास रखनी है, ठीक है। ऑटर का जो फर है उसके अंदर दो तरह के हेयर होते हैं, स्टाउट गार्ड हेयर विच फॉर्म अ वाटर प्रूफ आउटर कवरिंग, करे एक तो ऊपर वाले बाल होते हैं जो आउटर कवरिंग के लिए होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो स्टाउट गार्ड होते हैं, वो भी मोटे बाल होते हैं, और कैसे होते हैं, वो गार्ड गार्ड का काम करते हैं। अंडर फर विच किस गार्ड किससे करते हैं, वो वाटर प्रूफ, मतलब कि पानी से उनको बचाने के लिए एक ऊपर फर की लेयर होती है, एंड अंडर फर एक उसके नीचे एक और फर होता है जो डेंस होता है और फाइन होता है, इक्वल टू एन ऑटर्स थर्मल अंडरवियर, वो कैसा होता है, वो होता है जो उनका थर्मल अंडरवियर काम करता है, मतलब क्या होता है, वो उनको ठंड से बचाता है, ठीक है। हमने इनर पहनते हैं, जैसे आजकल ठंड है तो इनर पहना हुआ मैंने, तो जैसे ये मेरे को ठंड से बचा रहा है, तो अब उनकी बॉडी में क्या है, एक ऊपर लेयर है जो पानी से बचा रही है, वाटर प्रूफ लेयर है, उसके नीचे एक और लेयर है फर की जो उसको ठंड से बचा रही है ना, अपना थर्मल अंडरवियर का काम कर रही है वो। द फर मस्ट बी केप्ट इन गुड कंडीशन बाय ग्रूमिंग, कह रहे जो फर है इसको अच्छी कंडीशन में रखना जरूरी है, क्यों, ग्रूमिंग का जैसे हम इंसान क्या करते हैं, हमारे जो बाल होते हैं उनको हम कंघी करते रहते हैं, साफ करते रहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ग्रूमिंग, उसको भी अपने फर को ग्रूम करना पड़ता है, ऑटर को भी, ठीक है। अब मस्ट भी करना ही पड़ेगा उसको, अब देखिए क्यों करना पड़ेगा, सी वाटर रिड्यूसेस द वाटर प्रूफिंग एंड इंसुलेटिंग क्वालिटी ऑफ वाटर फर व्हेन सॉल्ट वाटर गेट्स इन द फर, कह रहे जो समुंदर का पानी है अगर वो इसके फर में चला जाएगा तो जो ऊपर की लेयर की वाटर प्रूफ वाली एबिलिटी है और जो अंदर की जो फर के लेयर है उसकी जो इंसुलेशन वाली है ठंड को रोकने की जो प्रॉपर्टी है वो दोनों खराब हो जाएंगी, क्यों खराब हो जाएंगी, अगर समुद्र का पानी सॉल्ट वाटर उसके अंदर चला जाएगा। दिस इज वाई फ्रेश वाटर पूल्स आर इंपॉर्टेंट टू ऑटर लिविंग ऑन द कोस्ट, अब कह रहे हैं इसलिए जो फ्रेश वाटर के जो पूल है वो ऑटर के लिए बहुत जरूरी है, फ्रेश वाटर मीन्स वैसे तो समंदर किनारे रह रहे हैं लेकिन उनको आसपास ऐसे पूल चाहिए जिसमें साफ पानी हो, ठीक है। आफ्टर स्विमिंग दे वॉश द सॉल्ट ऑफ इन द पूल्स एंड देन स्विम ऑन ग्राउंड टू रब ड्राई अगेंस्ट वेजिटेशन, अब ये क्या करते हैं, स्विमिंग करने के बाद अपने शरीर पे जो नमक होता है वो इस साफ पानी वाले जो बिना नमक वाला पानी है जो साफ पानी है उसके अंदर उसको साफ करते हैं और अपने आप को वेजिटेशन घास फूस के साथ सुखा लेते हैं। तो देखो कैसा जानवर है ये, अगर समुद्र से निकलता है तो उसके बाद ये साफ पानी के अंदर अपने आप को साफ करता है,
सेम थिंग इट डज विद द फूड। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। हमने क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। सही आंसर आए ना आए, जो गलत आंसर है हमने उसको हटा जरूर देना है इस पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। ओके, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ ऑटर्स रेगुलेट विजन अंडर वाटर। ए डिस्क्रिप्शन कि वो अपनी विजन को पानी के नीचे कैसे ठीक रखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई यहां पर, विजन की कोई बात नहीं, फर की बात कर रहे थे। द फिट फॉर पर्पस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटर बॉडी शेप, बॉडी शेप की बात हुई थी है ना। कह रहे कि ऐसी उसकी बॉडी है जो किसी काम के लिए बिल्कुल सही है। हमने यहां पे देखा था ऑटर हैव लॉन्ग थिन बॉडी, आइडियल फॉर पुशिंग डेंस अंडरग्राउंड और हंटिंग टनल। तो फिर ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सेकंड के बाद हम क्या लगाएंगे, ए। आप नोट करते रहे, सेकंड के बाद क्या लगाना है हमें, ए। रेफरेंस टू एन अंडर डेवलप्ड सेंस, उनकी कोई सेंस है जो डेवलप नहीं हो पाई, अंडर डेवलपमेंट की तो बात हुई नहीं, उसकी जो अच्छी अच्छी बातें अभी बता रहे हैं हम लोग। An explanation of why agriculture failed in otter conservation efforts. एक agriculture की कोई बात नहीं है तो हमें इसको देखने की जरूरत नहीं है। Otter के कुछ social characteristics, characteristics बताए गए हैं यहां पर, लेकिन ये option फिर भी fit नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर उन्होंने word use किया है social. Social का मतलब क्या हो गया, जब किसी group की बात, उसकी family की जब बात आएगी तो हम क्या यूज करेंगे, या उनके ग्रुप टीम की तरह कैसे कोई काम करते हैं, ऐसी कोई बात होगी तो हम बात कर इसको लेंगे, अभी हम इसको नहीं पिक करेंगे यहां पर, इसलिए क्योंकि हम एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। हाउ बेबी ऑटर ग्रोज, बेबी ऑटर कैसे ग्रो करते हैं, बेबी की तो कोई बात ही नहीं हुई यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट देखें, कंफ्लिक्टिंग ओपिनियन ऑन हाउ टू, कह रहे कि दो अलग अलग व्यूज थे, ऐसी कोई बात नहीं हुई। A reference to the legislative act, किसी लॉ की बात हुई है यहां पर, नो, यहां पर किसी लॉ की बात नहीं हुई। An explanation of how otters compensate for heat loss, अपनी हीट को कैसे वो बचाते हैं, हुई है उसकी बात कि उसकी जो सेकेंड लेयर है वो क्या करती है, थर्मल अंडरवियर का काम करती है, हीट को बचा रही है वो। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, हमारे पास अब दो आंसर आ गए हैं, टू का भी आंसर ए हो गया हमारे पास और 9 का भी आंसर ए हो गया है हमारे पास, ठीक है। जो साथ साथ कर रहे हैं वो लिख लें, नहीं तो अदरवाइज ये दो आंसर हमारे पास आ गए हैं और आपने देखा इनको हम कैसे लेके आए हैं, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमने वो नो मोर देन थ्री वर्ड्स वाले आंसर भी देखने हैं। व्हाट अफेक्ट द आउटर फर ऑफ ऑटर, ऑटर के जो फर है उस पर क्या चीज अफेक्ट करती है, हमने देखा था कोई चीज अफेक्ट करी थी उनके ऊपर, सी वॉटर क्या इफेक्ट करा था, सी वॉटर रिड्यूसेस वॉटर प्रूफिंग एंड इंसुलेटिंग क्वालिटी ऑफ फर, उसके फर के ऊपर क्या चीज करी थी, सी वॉटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वॉटर। एशियन शॉर्ट क्लॉड ऑटर, इसकी कोई बात ही नहीं हुई, ठीक है। तो अभी ये हमारे पास आया ही नहीं, अब हम क्या करेंगे, हम सेकेंड पैराग्राफ पर जाएंगे। प्लीज जैसे मैं कर रहा हूं आपने वैसे ही करना है, तभी आपके आंसर सही आएंगे, नहीं तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाया करेंगे। चलिए बी पैराग्राफ देखते हैं, हो सकता है आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग से ना पता लगे, लेकिन स्टिल जितना आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसी तरीके से करना है। अगर आप पहले ऑप्शन को देख के फिर यहां पर आएंगे तो आई एम टेलिंग यू ये जो रीडिंग है, हालांकि ये फर्स्ट पार्ट है रीडिंग का, ये आपसे 20 मिनट में खत्म नहीं होने वाली और बहुत सारे आंसर गलत भी हो जाएंगे। ओके, सेंट इज यूज फॉर हंटिंग ऑन लैंड, फॉर कम्युनिकेशन एंड फॉर डिटेक्टिंग डेंजर। कह रहे हैं जो सेंट है, जो स्मेल है, उसको वो यूज करते हैं हंटिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए और डेंजर को डिटेक्ट करने के लिए। तो बताइए इसके लिए यूज करते हैं वो। ऑटरिंग सेंस ऑफ स्मेल इज लाइकली टू बी सिमिलर इन सेंसिटिविटी टू डॉग्स। कह रहे जैसे कुत्तों की सेंस होती है, जो डॉग्स की सेंस होती है स्मेल की बहुत अच्छी होती है, इनकी भी वैसी ही होती है, उनके बराबर ही स्मेल है, मतलब इतनी अच्छी सेंस ऑफ स्मेल है इनके अंदर। ऑटर्स हैव स्मॉल आईज एंड आर प्रोबेबली शॉर्ट साइटेड ऑन लैंड। कह रहे हैं कि जो ऑटर्स है उनकी आंखें छोटी छोटी होती हैं और शायद शायद लैंड के ऊपर वो ज्यादा दूर तक देख नहीं सकते, उनकी जो नजर है वो लैंड पर क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो उन्होंने क्या बताया भाई, नाक तो उनकी बहुत तेज है, आंखें उनकी कमजोर है लैंड पर। बट दे डू हैव द एबिलिटी टू मॉडिफाई द शेप ऑफ लेंस इन द आई टू मेक इट मोर स्फेरिकल एंड हेंस ओवरकम द रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर। मगर आंखें उनकी
कमजोर थी, लेकिन उनके पास एक एबिलिटी है कि वो अपनी आंख का जो लेंस है उसकी जो शेप है उसको चेंज कर सकते हैं। क्यों चेंज कर रहे हैं वो? उसको स्फेरिकल बना लेते हैं इस ताकि वो वाटर की जो रिफ्रैक्शन है उसको ओवरकम कर सके। अब ये रिफ्रैक्शन क्या होता है? होपफुली शायद आपने, अगर आपको याद हो, 10th में हमें रिफ्रैक्शन कराया जाता है। ठीक है, ऐसे दिस इज लाइट, ये मान लो पानी है, जैसे दिस इज वाटर। अब जब लाइट इसके ऊपर आती है तो उसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन वो ऐसे नहीं जाती, वो क्या करती है लाइट, इट मूव्स लाइक दिस। तो जो चीज यहां पर होती है वो हमें यहां पर नजर आती है, आप घर पर देख लेना। इसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। ये एक साइंस का फॉर्मूला है, रिफ्रैक्शन। मतलब पानी के अंदर जो चीज जहां पर है वो वहां पर नजर नहीं आती, उससे थोड़ा आगे पीछे हो जाती है। इस चीज को जो हमारे ऑटर साहब है इसको कैसे कवर कर लेते हैं? उनकी आंख के अंदर ये पावर है कि अपने जो लेंस है उसको स्फेरिकल बना लेते हैं। इससे क्या होता है, ये रिफ्रैक्शन उनको तंग नहीं करती। इसका मतलब क्या है, लैंड पर तो वो देखने में उनकी नजर कमजोर है, लेकिन पानी के अंदर वो ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं। इन क्लियर वाटर एंड गुड लाइट ऑटर्स कैन हंट फिश बाय साइट। अगर पानी साफ है और लाइट अच्छी है तो वो देखकर ही शिकार कर लेंगे। द ऑटर्स आईज एंड नोस्टल आर प्लेस हाई ऑन हेड सो दैट इट कैन सी एंड ब्रीथ इवन व्हेन द रेस्ट ऑफ द बॉडी इज सबमर्ज्ड। वो कह रहे हैं ऑटर की जो आंखें हैं और जो नाक है वो ऐसी है कि वो ऊपर है फेस के, तो इसलिए क्या है, वो अपना पानी के अंदर रहकर ही सांस ले सकते हैं। पानी के अंदर वो उनकी बॉडी सारी होगी, बस उनकी आंखें और नाक है फिर भी ऊपर, जैसे मगरमच्छ होता है उसके, देखा वो अपना, उसकी आंखें और सिर्फ नाक है वही पानी से ऊपर होती है, बाकी सारा का सारा वो पानी के अंदर छुपा रहता है। ऑटर भी ये चीज कर सकते हैं, उनकी बॉडी भी ऐसी है। ठीक है, लॉन्ग विस्कर्स ग्रोइंग अराउंड द मजल आर यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ फिश। अब ऑटर के क्या होते हैं, विस्कर्स होती है, जो उनके नाक के पास जो मूछ, जो लंबी लंबी बाल होते हैं उनको क्या कहते हैं, विस्कर्स। इंसान की जैसे मूछे कहते हैं मस्टेच, जो जानवर जैसे डॉग कैट्स इन सब के क्या होते हैं, इनको कहते हैं विस्कर्स। और ये विस्कर हम तो नहीं इससे कोई फायदा उठा सकते मूछों से, लेकिन जो ये जानवर होते हैं इनको इससे पता लग जाता है कि आसपास क्या हो रहा है। जो लैंड एनिमल है उससे पता लगता है हवा चेंज होने से, जो ये पानी वाले हैं उनको पानी के अंदर जो डिफरेंस होता है उनके विस्कर उनको बता देते हैं। तो ऑटर को भी यही फायदा होता होगा। हाँ, तो वो क्या कह रहे हैं, जो इसके लॉन्ग विस्कर हैं वो उससे फिश को डिटेक्ट कर लेता है। कैसे करता है, देखें, दे डिटेक्ट रेगुलर वाइब्रेशन कॉल्ड द बीट ऑफ फिश टेल एज इट स्विम्स अवे। तो जो मछली दूर जा रही होती है तो उससे जो पानी हिलता है वो उसके विस्कर उसको बताते हैं, हाँ यहाँ पे मछली दूर जा रही है। तो इसका मतलब उनको देखने की भी जरूरत नहीं है, उस विस्कर से पता लग जाता है। ठीक है, दिस अलाउ ऑटर टू हंट इवन इन वेरी मर्की वाटर। मर्की का मतलब क्या होता है, मिट्टी वाला खराब पानी जिसमें नजर ना आ रहा हो। ठीक है, जहां पे तो पानी साफ है वो देख के कर सकते हैं, मिट्टी वाले पानी में उनके विस्कर उनको बताया था कि हाँ भी यहां से एक फिश गई है और वो उसको वहां से पकड़ सकते हैं। अंडर वाटर द ऑटर होल्ड इट्स लेग्स अगेंस्ट द बॉडी एक्सेप्ट फॉर स्टीयरिंग एंड द हिंड एंड ऑफ बॉडी फ्लेक्स इन सीरीज ऑफ वर्टिकल अंडुलेशन। तो ये कह रहे हैं जब पानी में तैरता है तो वो अपनी बॉडी को एक अलग तरीके से फोल्ड कर लेता है। रिवर ऑटर्स हैव वेबिंग विच एक्सटेंड फॉर मच ऑफ द लेंथ ऑफ ईच डिजिट दो नॉट टू द वेरी एंड। अब ये कह रहे जो पान नदी में जो ऑटर रहते हैं, नदी में जो उद्बलाव रहते हैं, उनके पास वेबिंग होती है। अब ये वेबिंग क्या होता है, देखिए ये हमारा हाथ है, इसके बीच में क्या है, खाली जगह है, राइट। अब आप देखो जो बतख होते हैं उसके क्या होता है, बीच में उन्होंने एक झिल्ली सी बनी होती है, इसको क्या कहते हैं, वेबिंग। जो पानी के अंदर जानवर होते हैं उनको जो पानी में हाथ चलाने होते हैं तो उनके लिए वेबिंग काम आती है, हमारे हाथ के बीच पानी निकलते हैं उनको ये काम आती है। आप देखोगे कई जो स्विमर्स होते हैं वो भी फ्लैप पहनते हैं, जो डाइवर्स होते हैं जो डाइव लगाते हैं, क्यों, क्योंकि ये हेल्प करते हैं। तो अब ऑटर को जो नदी में रह रहा है तो क्या है, उसको नेचर की तरफ से क्या मिली हुई है, वेबिंग। तो जिस जो ज्यादा पानी में रहेगा उसको नेचर की तरफ से ज्यादा उतनी ही ज्यादा वेबिंग होती चली जाएगी, जैसे बतख की जो वेबिंग है वो बहुत ज्यादा होती है, तो फिश वगैरह के हर फिन ही आ जाते हैं उनके पास स्पेशली, सिर्फ यही होता है। तो रिवर वाटर क्या कह रहे हैं, उनके पास वेबिंग है जो लेंथ ऑफ ईच डिजिट, तो उसकी एक एक उंगली के बीच में वो वेबिंग होती है। हालांकि कह रहे हैं वो एंड तक नहीं होती, अखीर तक नहीं होती है, जो रिवर वाले जो ऑटर है उनकी एंड तक नहीं होती, थोड़ी सी वेबिंग उनके पास है। जो जायंट ऑटर है और सी ऑटर है उनके पास प्रोमिनेंट वेब होते हैं। क्या कह रहे हैं, वो जो जायंट ऑटर, जो बड़े ऑटर है, जो समुद्र में, अब समुद्र में रहने वाले ऑटर को बहुत ज्यादा पानी में रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा तैरना पड़ेगा, तो जो उसकी है वे फुली डेवलप है, वो असल में जो पानी में रहने वाले जानवर उस हिसाब से उसकी वेबिंग है। वाइल द एशियन शॉर्ट क्लॉड ऑटर हैज नो वेबिंग। लेकिन कह रहे जो एशिया के जो शॉर्ट क्लॉड ऑटर है उनकी कोई वेबिंग नहीं होती, नदी में रहने वालों की कम है, समुद्र रहने वालों की ज्यादा है, जो एशियन क्लॉड है इनकी है ही नहीं।
ठीक है, हमारा क्वेश्चन भी था ना एशियन क्लॉट, तो हमारा यहाँ पे लोकेशन आ गई हमारे पास, लेकिन क्योंकि पीसीआई हम पूरा पढ़ रहे हैं, अगर दूसरा तरीके का पैराग्राफ होता हमने यहीं से सिर्फ आंसर ही ढूंढना था। अब क्यों नहीं होती भाई? दे हंट फॉर श्रिम्प्स इन डिचेस एंड पैडी फील्ड। अब क्योंकि वो कहते हैं उनका खाना क्या है, वो श्रिम्प्स को खाते हैं, छोटे छोटे जो जीव होते हैं, ये उनको कहाँ पे मिलते हैं? डिचेस, डिच का मतलब हो गया खुड है, जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उनको कहते हैं डिच, वहां पे मिलते हैं ये पैडी फील्ड में। पैडी फील्ड क्या होता है? जहां पे चावल उगाया जाता है ना, तो उसको कहते हैं पैडी फील्ड। अब वहां पे इतना पानी नहीं होता, जब पानी ही नहीं है तो उसने तैरना ही नहीं है, तो उसको फिर बड़ी वेबिंग की क्या जरूरत। सो दे डोंट नीड द स्विमिंग स्पीड, इसलिए उनको स्विमिंग स्पीड की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इतना छोटा सा फील्ड है तो उसके अंदर स्विमिंग स्पीड की जरूरत क्या ही होगी। तो इनको क्या नहीं, इनके पास क्या नहीं होती? वेबिंग नहीं होती। वेबिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि उनको स्विमिंग स्पीड नहीं चाहिए। ठीक है, ऑटर्स ईयर आर प्रोटेक्टेड बाय वॉल्व्स विच क्लोज देम अगेंस्ट वाटर प्रेशर। अब कह रहे हैं इसके जो कान है इसके अंदर क्या होते हैं? वॉल्व लगे होते हैं, तो पानी का प्रेशर से उसके कान को वो बचा लेते हैं। राइट, हमने यहां तक तो पढ़ लिया। अब क्या करना है? जब हम ऑप्शंस पर जाएंगे और एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे। राइट, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करना है आप लोगों ने, प्लीज। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ ऑटर्स रेगुलेट विजन अंडर वाटर, एक ऐसा तरीका जिससे ऑटर पानी के अंदर अपनी विजन को रेगुलेट कर लेते हैं, अपने विजन को शिफ्ट कर लेते हैं। हुई थी ऐसी बात? बताओ, हुई थी ना, जो उसका लेंस चेंज करके उस स्फेरिकल हो रहे थे, रिफ्लेक्शन को पता कर रहे थे। दिस ऑप्शन फिर वन का आंसर क्या हो गया? बी, फिट फॉर पर्पस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटर्स बॉडी शेप, ये हमारा पहले ही हो चुका है। रेफरेंस टू एन अंडर डेवलप्ड सेंस, एक ऐसी सेंस जो डेवलप नहीं हुई है। ये आंसर कई बार बच्चे गलत कर लेते हैं, उनको इसका आंसर मिलता ही नहीं है। देखो इसके शुरू में ही आया था, देखा था वो क्या थे? वो शॉर्ट साइटेड थे, इसका मतलब उनकी नजर लैंड पर कमजोर है। ये क्या हो गया? अंडर डेवलप्ड सेंस। तो थर्ड का आंसर भी क्या आ जाएगा? बी, पीसीआई है। एक ही ऑप्शन कई जगह पर फिट हो सकती है, इसका ध्यान रखना है आपने। और ये भी हो सकता है कोई पैराग्राफ हो जिसमें से कोई आंसर ना भी निकले, हेडिंग नहीं है। हेडिंग में क्या होता है? एक पैराग्राफ एक आंसर, एक ऑप्शन एक पैराग्राफ, इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है। एन एक्सप्लेनेशन व्हाई एग्रीकल्चर की बात नहीं यहां पर। ऑटर्स सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं, लेकिन सोशल सोसाइटी वाले मिल फैमिली कितने लोग रहते हैं क्या करते हैं ऐसा कोई नहीं बताया उन्होंने। हाउ ऑटर बेबी ग्रोज, बेबी की कोई बात नहीं हुई इसके अंदर। कंफ्लिक्टिंग ओपिनियन प्रिजर्व की बात नहीं हुई, कोई लॉ की बात नहीं हुई, हीट लॉस वाला हमारा पहले ही हो गया था, ये नहीं हुआ। अब हम आ जाते हैं हमारे नो मोर देन थ्री वर्ड्स वाले के ऊपर। विच स्किल इज नॉट नेसेसरी फॉर एशियन शॉर्ट क्लॉड ऑटर, कौन सा स्किल है जो एशियन उसको नहीं चाहिए। अब इसमें बच्चे कई बार क्या करते हैं, एशियन क्लॉड तो आ गया हमारा, तो इनके पास नो वेबिंग लिखा हुआ है, तो वो कहते हैं हम क्या से ले देते हैं? वेबिंग, क्योंकि नो से नो मिला देते हैं। उन्होंने पूछा कौन सा स्किल नहीं चाहिए, वेबिंग स्किल नहीं है, वो एक बॉडी का पार्ट है। स्किल क्या है? स्विमिंग स्पीड। स्किल क्या है हमारा? स्विमिंग स्पीड। देखिए यहां पर, ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। ये कंफ्यूजन है, ये गलती है जो बच्चे करते हैं और कई बार समझा भी नहीं पाते लोग, यहाँ ये कैसे हुई थी। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, किस ऑटर की रेंज सबसे छोटी होती है और किस मैमल को वो हंट करता है। तो अब हम जब ऑटर की रेंज की बात आएगी तब हम इस क्वेश्चन पर आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट पैराग्राफ को रीड करना है। A number of constraints and preferences limit suitable habitats for otters. कह रहे हैं बहुत सारे लिमिट्स और प्रेफरेंसेस हैं जिसकी वजह से इनके हैबिटेट जो है कम हो जाता है। लिमिट का मतलब होता है कम हो जाते हैं। अब क्या कह रहे हैं भाई, इस जानवर के बहुत सारे क्या है, इस पे बहुत सारे लिमिटेशन है और इसके नखरे बहुत है। क्या है इसको क्या चाहिए? प्रेफरेंस, इसने चॉइस रखी हुई है, इसलिए क्या है, इतने नखरे होंगे, इतनी इतनी इसने अपने पाबंदियां लगा रखी हैं, तो जो हैबिटेट है वो कम हो जाते हैं इसके, इसके हैबिटेट कम हो जाते हैं। वाटर इज अ मस्ट, पहली बात तो कह रहा है इसको पानी चाहिए। दूसरे क्या चाहिए इसको? रिवर मस्ट बी लार्ज इनफ टू सपोर्ट अ हेल्दी पॉपुलेशन ऑफ फिश, और जो नदियां हैं उनमें खूब सारी मछलियां भी होनी चाहिए। बींग सच शाई एंड वेरी क्रिएचर, क्योंकि ये बहुत ही शर्मीला और वेरी मीन्स परेशान घबराहट वाला क्रिएचर, मतलब डरता है ये, शाई भी है और घबराहट भी है इसके अंदर। तो दे विल प्रेफर टेरिटरीज वेयर मैन्स एक्टिविटीज डू नॉट इम्पिंज ग्रेटली, तो भाई ये इंसानों से भी दूर रहना चाहते हैं। कह रहे जहां पे इंसान आते हैं वहां पे भी ये नहीं रहते। ऑफ कोर्स देयर मस्ट आल्सो बी नो अदर ऑटर ऑलरेडी इन रेजिडेंस, कह रहे भी इनके पास इनको और कोई ऑटर भी नहीं चाहिए। ये भी कहते हैं भाई हम अकेले रहेंगे,
दिस हैज ओनली बिकम सिग्निफिकेंट अगेन रिसेंटली एज पॉपुलेशन स्टार्ट रिकवर। कह रहे पहले तो इसका कोई मतलब नहीं था क्योंकि थे ही कम, है ना, बहुत सारे जानवर हैं जो एक्सटिंक्ट होने की तरफ जा रहे हैं, एंडेंजर है, तो ये कह रहे हैं ये भी एंडेंजर था, लेकिन अब इनके नंबर बढ़ना शुरू हो गए हैं तो अब ये प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि अब ज्यादा है तो फिर ये एक साथ नहीं रह सकते। अब क्या बता रहे हैं, अ टिपिकल रेंज फूड हैबिटेट सूटेड फॉर अ मेल ऑटर माइट बी 25, अच्छा यहाँ पे 25 किलोमीटर होना चाहिए, 25 किलोमीटर ऑफ रिवर। चलिए तो क्या कह रहे हैं, जो मेल ऑटर है उसकी जो रेंज है वो कितनी है नदी के अंदर, नदी के कितनी है 25 किलोमीटर, ठीक है, और जो फीमेल्स रेंज लेस देन हाफ ऑफ दिस, और जो फीमेल की रेंज है वो क्या है इसकी आधी होती है। हाउएवर द प्रोडक्टिव रिवर अफेक्ट दिस ह्यूजली एंड एंड वन स्टडी फाउंड मेल रेंजेस बिटवीन 12 एंड 80 किलोमीटर। कह रहे कि जो नदी की प्रोडक्टिविटी मतलब कि नदी में कितनी मछलियां हैं इस पे भी डिपेंड करता है, अगर मछलियां ज्यादा हैं तो वो कम टाइम पे भी रह लेंगे, अगर मछलियां कम है तो उनको ज्यादा बड़ी रेंज चाहिए, ठीक है। नॉर्मली क्या है 25 किलोमीटर है मेल की और जो फीमेल की हाफ। अब इसमें ना एक क्वेश्चन है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और इसमें गलतियां भी बहुत करते हैं, विच टाइप ऑफ ऑटर हैज शॉर्टेस्ट रेंज, ऐसा कौन सा ऑटर है टाइप जिसकी जो रेंज है वो सबसे कम है। बच्चे इसका आंसर फीमेल लिख देते हैं क्योंकि मेल की ज्यादा है फीमेल की कम है, अभी वो टाइप की बात कर रहे हैं, हमें इसको आगे भी पढ़ना है, आगे जाके वो अपनी बात से मुकर सकते हैं, तो हम आगे भी देखेंगे, ठीक है, आपने इस पे नहीं रहना, आगे देखो। अब कोई यही देखो 25 किलोमीटर था, यहाँ पे कितना हो गया 12 से 80 हो गया, 80 किलोमीटर भी हो सकता है 12 भी हो सकता है, अभी तक अभी उन्हें टाइप नहीं बताया, अभी तक उन्होंने टाइप नहीं बताई। आगे बढ़ते हैं, कोस्टल वाटर हैव अ मच मोर अबंडेंट फूड सप्लाई एंड रेंजेस फॉर मेल्स एंड फीमेल्स मे बी जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन। कह रहे हैं जो समुन्द्र में रहने वाले जो वाटर है, जो समुन्द्र के तट पर रहते हैं उनकी, क्योंकि वहां पे फिश की कोई कमी नहीं है, नदी में कमी हो सकती है समंदर में कोई कमी नहीं है, तो वहां पे क्या होता है उनकी जो रेंज है वो और कम हो जाती है, और कितनी हो जाती है सिर्फ कुछ किलोमीटर, क्या हो जाती है सिर्फ कुछ किलोमीटर। ऊपर देखो क्या था 25 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 12, ये जो ये कौन से ऑटर है हमारे कोस्टल ऑटर, उनकी कितनी रेंज है कुछ किलोमीटर, तो सबसे कम कौन से हुए कोस्टल। बच्चे यहाँ पे फीमेल लिख के आ जाते हैं जबकि आंसर क्या होना चाहिए कोस्टल, क्योंकि हम आगे हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। चलिए हमारे पास इसका भी आंसर आ गया, 12th का आंसर क्या हो गया कोस्टल ऑटर, और ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं आप, अगर आप कहीं और सोल्यूशन भी मिलेगा तो हमेशा जो डाउट आता है वो इसी का आता है कि बच्चों ने फीमेल लिखा होता है कोस्टल क्यों, उनको समझ में आता कोस्टल कैसे आ गया, और कई बार वो जो एक्सप्लेनेशन होती है वो समझा भी नहीं पाती कि भाई कोस्टल क्यों था, वो कुछ और ही तरीके से समझा रहे होते हैं, आई डोंट नो यहाँ पे लेके। चलिए तो हम इन्होंने क्या बताया, अलग अलग रेंज बता दी उसकी, मेल रेंजेस आर यूजुअली लार्जर, मेल ऑटर मे फाइंड इट ओवरलैप विद द अदर फीमेल। अब कह रहे जो मेल की जो रेंज है वो बड़ी होती है फीमेल से, तो उसकी इसी एक रेंज के अंदर फीमेल्स की भी एक दो रेंज आ जाती है, ठीक। चलो ऑटर विल ईट एनीथिंग दैट दे कैन गेट होल्ड ऑफ, फिर ऑटर भाई कुछ भी खा लेगा उसको जो मिलेगा। देयर आर रिकॉर्ड स्पैरो स्नेक्स एंड स्लग बीन गॉबल्ड, तो चिड़िया भी खा लेते हैं सांप भी खा लेते हैं, स्लग्स एक पानी का जानवर होता है ना, तो वहीं पे रहता है जब पानी और जमीन दोनों चीजें वहां पे रहता है, उसको भी ये खा लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम फिश, कह रहे मछली के अलावा ये क्रे फिश क्रैब और वाटर बर्ड्स को भी खा लेते हैं, ठीक है। स्मॉल मैमल्स, अब यहाँ पे पूछ रहे थे देखो क्वेश्चन नंबर 13 का कह रहा है, विच टाइप ऑफ मैमल्स डू ऑटर हंट ओकेजनली, किस तरह के मैमल को हंट करते हैं, मैमल हमारा कीवर्ड था वो आ गया यहाँ पर, देख रहे हैं स्मॉल मैमल आर ओकेजनली टेकन मोस्ट कॉमनली रैबिट्स बट समटाइम इवन मोल्स, तो कह रहे मैमल्स को भी खा लेते हैं, किस किस मैमल खा लेते हैं वो रैबिट को और मोल्स को, तो हम यहाँ पर आंसर में अपना रैबिट भी लिख सकते हैं मोल भी लिख सकते हैं, रैबिट और मोल्स दोनों भी लिख सकते हैं, कुछ कुछ रीडिंग ऐसी है जिसके अंदर रैबिट नहीं लिखा होता, जिसके अंदर रैबिट नहीं लिखा होता उस केस में फिर आप सिर्फ मोल लिखाएंगे, अगर ऐसी रीडिंग आप जिसमें मोल ना लिखा हो फिर आप रैबिट लिखाएंगे, दोनों ने नाम दे रखे हैं, अगर तो दोनों दे रखे हैं आप दोनों लिख दीजिए, नहीं तो कोई एक लिखते आएंगे तब भी आपका आंसर करेक्ट ही होने वाला है, ठीक है। चलिए अब हमारे 9 मोर देन 3 वर्ड तो सारी सॉल्व हो गए हैं, अब हम क्या देखते हैं, अब देखें जो सी है उसमें कोई पीसीआई का आंसर था कि नहीं था, राइट, हमने क्या यूज करना है एलिमिनेशन मेथड, कम हेयर हाउ वाटर रेगुलेट विजन अंडर वाटर, ये हो गया है फिट फॉर पर्पज, ये भी हो गया है अंडर डेवलप्ड सेंस, ये भी हो गया है,
एग्रीकल्चर की कोई बात नहीं हुई इसके अंदर। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स कह रहे हैं ना भाई, वो अकेले रहना पसंद करते हैं। क्या करते हैं? वो अकेले रहते हैं, ठीक है। तो उनके सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ गए हैं। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा? सी, बेबी ऑर्डर। कैसे? बेबी की कोई बात नहीं हुई हमारी, कॉन्फ्लिक्टिंग कोई नहीं है, कोई लॉ की बात नहीं हुई, हीट लॉस हमारा पहले ही हो गया है, ठीक है। फिफ्थ का आंसर क्या आ गया हमारा? सी। आई होप कि आपको साथ साथ समझ में आ रहा होगा। कुछ समझ में नहीं आता, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। कितने स्कोर आपके ठीक आते हैं वो भी आपने लिखना है। एंड लाइक द वीडियो, ब्रिंग सो मच ऑफ एफर्ट्स, इतनी मेहनत कर रहे हैं, अब आप प्लीज लाइक तो करें वीडियो को। चलिए, आ गया हमारे पास डी पैराग्राफ। यूरेशियन ऑटर्स विल ब्रीड एनी टाइम वेयर फूड इज रेडीली अवेलेबल। कह रहे जो यूरेशियन ऑटर है वो अगर उनको खाना मिलेगा तो फिर वहां पे अपनी फैमिली बना लेंगे ना, बच्चे पैदा कर लेंगे वो। इन प्लेसेस वेयर कंडीशन इज मोर सीवियर, स्वीडन फॉर एग्जाम्पल, वेयर द लेक्स आर फ्रोजन फॉर मच ऑफ द विंटर, कब्स आर बॉर्न इन स्प्रिंग। कह रहे स्वीडन जैसी जगह पर जहां पर जो है कंडीशन बहुत ज्यादा सिवियर होती है, ठंड बहुत ज्यादा पड़ती होगी वहां पर, तो कह रहे इसलिए जो लेक है वो ज्यादातर विंटर में क्या रहते हैं, वो जमे रहते हैं, तो वहां पे वो बच्चे कब पैदा करते हैं? स्प्रिंग में पैदा करते हैं। दिस एंश्योर दैट दे आर वेल ग्रोन बिफोर सीवियर वेदर रिटर्न। इससे ये पक्का हो जाता है कि जो बच्चों को अच्छे से ग्रो कर जाएं जब तक कि ठंड दोबारा वापस आएगी, ठीक है। तो स्वीडन जैसे कंट्री में क्या हो रहे हैं, वो अपना स्प्रिंग में बच्चे पैदा कर रहे हैं। इन द शेटलैंड कब्स आर बॉर्न इन समर, लेकिन जो शेटलैंड है वहां पे एक बच्चे कब हो रहे हैं? इन समर। तो यहाँ पे स्प्रिंग में नहीं हो रही, यहाँ किस में हो रहे हैं? समर में हो रहे हैं, जब वेन फिश इज मोर अबंडेंट। तो ये कोई और जगह है, यहाँ पे कब बच्चे पैदा कर रहे हैं वो? जब मछलियां बहुत ज्यादा होती हैं, वो कब होती हैं? समर में। द ऑटर कैन ब्रीड एवरी ईयर, सम डू नॉट। कह रहे हालांकि जो ऑटर है हर साल बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन कुछ हर साल बच्चे पैदा नहीं करते। अगेन दिस डिपेंड्स ऑन फूड अवेलेबिलिटी। ये किस पे डिपेंड करता है? कि कितना खाना मिल रहा है। अगर खाना मिलेगा तो बच्चे पैदा करेंगे, अगर खाना कम है तो बच्चे पैदा नहीं करते वो। अदर फैक्टर्स सच एज फूड रेंज एंड क्वालिटी ऑफ फीमेल मे हैव एन इफेक्ट। और फैक्टर है फूड किस रेंज में मिल रहा है। अगर खाना बहुत ज्यादा दूर मिल रहा है तभी नहीं लेंगे, और फीमेल क्वालिटी मतलब कि फीमेल किस तरह की है उस पर भी डिपेंड करता है इनका। गेस्टेशन फॉर ड्यूरेशन ऑर्डर इज 63 डेज। अब गेस्टेशन क्या होता है? गेस्टेशन वाला होता है बच्चा अपनी माँ के पेट में कितने टाइम तक रहता है। ये कितना टाइम है इसका? 63 डेज। किसका? ड्यूरेशन ऑर्डर का। नॉर्थ अमेरिकन रिवर ऑटर है, करें उनके एम्ब्रियोज में डिलेड, वह उसमें शायद ज्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि उनके एम्ब्रियो उन्होंने साइंटिफिक टर्म यूज किया कि इस वजह से डिले हो जाता है। हमें नहीं समझ में आ रहा, फिर भी इतना तो पता लग रहा है कि हाँ जो गेस्टेशन पीरियड है 63 होता है ड्यूरेशन के लिए, और नॉर्थ अमेरिकन के लिए थोड़ा सा ज्यादा होता है। बेसिकली उन्होंने यहाँ पे क्या बात की है, वो कब बच्चे पैदा करते हैं, उसके रीजन क्या होंगे फूड के ऊपर, और कुछ बता रहे हैं कि जो ड्यूरेशन है 63 डेज में होते हैं जबकि दूसरे के लिए क्या होते हैं। अब इसके क्या आंसर आएगा? हाँ, ऑटर रेगुलर, ये पहले हो गया हमारा। फिट फॉर पर्पस करेक्ट, ये भी पहले हो गया हमारा। अंडर डेवलपमेंट, ये भी हो गया। एग्रीकल्चर की कोई बात हुई नहीं यहाँ पर। ऑटर सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स वो हमारा पहले हो गया है। हाउ बेबी ऑटर ग्रोज, कुछ लोग इसके अंदर इसका आंसर 6 कर देते हैं और फिर कहते हैं 6 क्यों नहीं आया सर, हमें समझा। 6 क्यों किया उन्होंने? क्योंकि तो उन्होंने यहाँ पे क्या वर्ड देखा? कब्स। कब्स से उन्होंने कीवर्ड से कीवर्ड मैच किए और आंसर बना दिया। नहीं, देखो वो क्या कह रहा है, बच्चे कैसे ग्रो करते हैं, बच्चे कैसे बड़े होते हैं, बच्चे कैसे बड़े होते हैं, यहाँ पे वो कह रहे हैं कब बच्चे होते हैं, तो ये आंसर नहीं है, ठीक है। आगे देखें, कन्फ्लिक्ट ओपिनियन हाउ टू प्रिजर्व, ये नहीं बनता, कोई लॉ की बात नहीं हुई है, ये पहले हो गया। अब यहां पर एक और चीज जो बच्चों को बहुत ज्यादा फोर्स करती है इस गलत आंसर को पिक करने की, कि इसकी कोई ऑप्शन नहीं बनी। कहते पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ा, ना तो इसका नो मोर देन 3 वर्ड आया और ना ही क्या आया हमारा पीसीए। तो उनको लगता है ये आंसर तो होना ही चाहिए, एक आंसर तो होना चाहिए, जबकि मैंने आपको क्या बताया है कि पीसीआई के अंदर हो सकता है एक पैराग्राफ में बहुत सारे आंसर मिल जाए, हो सकता है उसमें कोई भी ना हो, लेकिन जो ये हमारा डर है ना कि इसका आंसर नहीं आ रहा, ये डर हमें मजबूर करता है कि हम इसके अंदर से जबरदस्ती ऐसे ऑप्शन पिक करते हैं जो फिट नहीं होती। और उनको भी पता है कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है और इसीलिए उन्होंने इस तरह का पैराग्राफ इसके अंदर डाला है, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं थी, इससे कोई आंसर नहीं निकल रहा है ना। हो सकता है ऐसे के लिए उनको जरूरत हो, लेकिन आंसर निकालने के लिए हमें इस पैराग्राफ की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ये
बहुत बार गलतियां होती हैं, तकरीबन तकरीबन क्लास में कराओ तो सारे बच्चे इसका आंसर ये जरूर लिख के आते हैं। क्यों लिख के आते हैं? उनको लगता है कि कोई आंसर तो लिखना जरूरी है। नहीं है जरूरी, पीसीआई है। हेडिंग के केस में कंपलसरी है, पीसीआई के केस में, पैराग्राफ कंटेनिंग इंफॉर्मेशन के केस में ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर पैराग्राफ से आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब ई पैराग्राफ। ऑटर्स नॉर्मली गिव बर्थ इन मोर सिक्योर डेंस टू अवॉइड डिस्टर्बेंस। कह रहे हैं कि ऑटर जो है नॉर्मली ऐसे डेंस में देते हैं, अपना सिक्योर डेंस के अंदर बर्थ देते हैं ताकि उनको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। नेस्ट अलाइंड विद बेडिंग, रीड्स वाटर से प्लांट, ग्रास टू कीप कब्स वार्म व्हाइल मम्मी इज अवे फीडिंग। तो कह रहे हैं जो जो उनके घोंसले होते हैं जहां पे बच्चे रखते हैं उसको उन्होंने आसपास कवर कर देते हैं, किससे? रीड से। रीड अपना पानी में ग्रो करने वाली घास को रीड कहते हैं। वाटर साइड प्लांट से, ग्रास से, क्यों? ताकि जब उनकी मदर बाहर जाती है तो वो बच्चे गर्म रहें, वार्म रहें। ठीक है। लिटर साइज वेरीज बिटवीन 1 एंड 5। लिटर साइज, लिटर साइज क्या होता है? जब भी कोई जानवर बच्चे देता है तो एक बार में वो कितने बच्चे देता है उसको कहते हैं उसका लिटर साइज। इसका लिटर साइज वो कह रहे हैं 1 से 5 के बीच में होता है, 2 से 3 सबसे कॉमन है, या 2 बच्चे होंगे या 3 बच्चे होंगे, कभी कभी 1 भी हो सकता है, कभी कभी 5 भी हो सकते हैं। फॉर सम अननोन रीजन कोस्टल वाटर टेंड टू प्रोड्यूस स्मॉल लिटर। ऐसे रीजन हमें पता नहीं है, लेकिन जो समुद्र में रहने वाले जो उद्वेलाओ हैं उनके लिटर स्मॉल ही होते हैं, मतलब उनके वो एक बार में कम ही बच्चे पैदा करते हैं। एट 5 वीक्स दे ओपन देयर आई, 5वें हफ्ते में अपनी आंखें खोल लेते हैं, और वो उस टाइम कितने होते हैं? 700 ग्राम के होते हैं। 7 वीक दे आर बीन ऑन टू सॉलिड, 7वें हफ्ते में वो सॉलिड फूड लेना शुरू कर देते हैं, मदर पे डिपेंड नहीं रहते, सॉलिड फूड लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है। एट 10 वीक दे लीव द नेस्ट ब्लिंकिंग इन टू डे लाइट फॉर द फर्स्ट टाइम, 10वें हफ्ते में वो अपने नेट से बाहर जाना शुरू कर देते हैं। आफ्टर 3 मंथ दे फाइनली मीट द वॉटर एंड लर्न टू स्विम, 3रे महीने के बाद वो पानी में जाते हैं और स्विमिंग सीखते हैं। आफ्टर 8 मंथ दे आर हंटिंग, दो द मदर स्टिल प्रोवाइड अ लॉट ऑफ फूड हरसेल्फ। 8वें महीने से वो शिकार करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी अभी इस टाइम तक भी उनके मदर ही उनको ज्यादातर फूड दे रही होती है। फाइनली आफ्टर 9 मंथ शी कैन चेज देम अवे ऑल अवे विद अ क्लियर कॉन्शियस एंड रिलैक्स। कह रहे कि 9वें महीने के बाद उसकी माँ के जो दिल पे कोई बोझ नहीं रहता, वो कहती है अब तुम जाओ अंटिल द नेक्स्ट फेला शोज अप, जब तक कि और दूसरे बच्चे होना शुरू ना हो जाए। अब देखो इसमें बेबी के ग्रो होने की बात हुई है, इस पैराग्राफ के अंदर किसकी बात हुई है? बेबी के ग्रो होने की बात हुई है कि इस महीने इस टाइम पे ये करते हैं, दूसरे पे इतने करते हैं, तो फिर ऑब्वियसली जो 6 का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? ई। ठीक है, देखो हमारे कितने सारे आंसर आ गए। अगर आप सही तरीके से आंसर निकालते हैं ना तो अब आगे से आगे इसके आंसर निकालने आसान होते चले जाएंगे, अब जल्दी जल्दी आंसर निकाल सकते हैं क्योंकि ऑप्शन कम रह गए हमारे पास। लेकिन अगर आपने सही प्रोसीजर पहले से फॉलो नहीं किया है, सिर्फ गैस लगाया है, तुक्के लगाए हैं, ये लास्ट तक आपको तंग करते रहेंगे, आपका टाइम खाते रहेंगे। आर यू गेटिंग मी? अगर आप सही स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो आगे से आगे ये आसान होता चला जाएगा, क्योंकि आपको देखिए ये ऑप्शन पहले आ गया, अब नहीं आएगी, अब नहीं आएगी। लेकिन अगर आप गलत तरीके से वो कीवर्ड मैच करके निकाल रहे हो, या जिस तरह से बताया जाता है कि हाँ इसको सर्कल कर दो, वो कर दो, सिनोनिम ढूंढ लो, अगर आप उस तरह से निकालोगे, आई एम टेलिंग यू आप लास्ट तक कंफ्यूज रहेंगे और जानबूझ के अपने आंसर गलत कर देंगे, टाइम भी ज्यादा लगेगा, आंसर भी गलत होंगे। लेकिन इस तरीके से आप देख रहे हैं कैसे साथ के साथ आंसर निकल रहे हैं। नो डाउट आपको मैं तो हिंदी बता रहा हूँ इसके साथ साथ, लेकिन अगर हिंदी नहीं पता फिर भी आपको मोटे मोटे आइडिया से भी आप इसके आंसर निकाल सकते हैं प्लीज। ठीक है, तो आपने प्लीज इसको इसी तरीके को फॉलो करना है। ओके, द ब्रिटिश ऑटर्स बैड कंडीशन वॉज रिकॉग्नाइज इन द अर्ली 1960 बट द प्राइमरी कॉज वाज नॉट डिटरमाइंड अंटिल द लेट 1970। चले कह रहे हैं जो ब्रिटेन में जो उद्वेलाओ है उनके जो कंडीशन बुरे हालात थे उनके 1960 पता लग गया था, लेकिन उसका कारण नहीं पता था। कह रहे हैं उनका नंबर या उनको कोई प्रॉब्लम होगी वो पहले पता, कारण नहीं पता था। Pesticides like Dalrin and Aldrin were first used in agriculture and other industries in 1955. These chemicals are extremely persistent and have been linked to massive population losses. कह रहे कि उन्होंने पेस्टिसाइड यूज किए थे, ये भी दवाइयों के नाम है, इसकी वजह से क्या हुआ था? एग्रीकल्चर ने यूज किया था और ये फैल्कन की, स्पैरो की और अदर प्रेडेटर की जो है इससे उनकी जो नंबर है वो कम हो गया था। देखो अब यहाँ पे एग्रीकल्चर आ गया है, अब हमें समझ में आ रहा है कि जो ऑप्शन है हमारी वो यहाँ पे फिट हो जाएगी। अगर ये अब हम यहां पे अगर हम ऑप्शन पिक करेंगे तो यहां पे हम जल्दी से भी निकाल भी लेंगे। ठीक है, अच्छा मैं आपको फिर समझा रहा हूं पूरा। पेस्टिसाइड फाउंड देयर वे इनटू रिवर सिस्टम एंड फूड चेन कंटेमिनेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिश एंड इवेंचुअली वाटर विद ईच स्टेप इंक्रीजिंग द टॉक्सिक कंसंट्रेशन। कह रहे हैं कि जो नदी के पानी में पेस्टिसाइड चले गए, एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड यूज हुए, उसको वो पानी कहां चला गया? नदी के अंदर चला गया। नदी से वो कहां गया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर गया। पानी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म
या उस जहर को, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो गया मछली के अंदर, तो मछली से किसमें गया, वो ऑटर के अंदर, और हर स्टेप पे जहर बढ़ता जा रहा था। मान लो मछली माइक्रो खा रही, उसका जहर कम होगा, लेकिन बहुत सारी मछलियों को इकट्ठा कर जब ऑटर खाएगा तो वो जहर उसके अंदर ज्यादा हो जाएगा। माइक्रोजन में कम जहर था, फिश में उससे ज्यादा था, ऑटर में उससे ज्यादा आ गया। पेस्टिसाइड वर टेकन आउट स्टार्टिंग 1962, कह रहे जो पेस्टिसाइड थे 1962 के अंदर उनको खत्म कर दिया गया था। बट सम स्पीसीज रिबाउंड रैपिडली, अदर पॉपुलेशन डिड नॉट, कंटिन्यू टू डिक्लाइन अंटिल वेल कंटिन्यू टू डिक्लाइन वेल इनटू द 1980s। कुछ स्पीसीज तो जब उसको पेस्टिसाइड को हटा लिया तब रिकवर कर गई, लेकिन कुछ स्पीसीज इससे इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाई। उनको क्या लग गया, 1980 तक भी वो डिक्लाइन ही होती रही, इतना जो थोड़ा सा भी था उससे भी वो डिक्लाइन होती रही। हैबिटेट डैमेज एंड रोड डेथ वर मोस्ट लाइकली टू ब्लेम, क्यों, क्योंकि जो कह रहे हैं जो ऑटर की जो तो जो क्या कहते हैं उनके जो उनके घर तबाह हो रहे थे, उसका रोड डेथ हो रही, इस वजह से वो मर रहे हैं बेचारे। When it comes to population that have been fragmented by this rapid extinction in 1950 1960, the loss of just a few otter in one location can make an entire population unavailable, led to extinction. अब कह रहे हैं जो उदबिलाव है, जो ऑटर है, इनके साथ क्या हुआ, ये ऐसे थे कि क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बिखरी हुई थी, तो कुछ भी ऑटर किसी लोकेशन पे खत्म होते थे, इसका मतलब क्या होता था, वहां से सारी के सारे ऑटर ही खत्म हो जाते थे। राइट, थोड़े से कहीं से खत्म हो तो वहां से सारे के सारे ऑटर ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, कौन सी ऑप्शन फिट होगी, ये फर्स्ट हमारी हो गई है, फिट फॉर पर्पस ये भी हो गई है, अंडर वेबसाइट ये भी हो गई है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की यहाँ पे बात हुई है, कंजर्वेशन इफेक्ट, तो हमारा क्या आंसर रहेगा, फोर्थ का आंसर क्या जाएगा हमारा, एफ, फोर्थ इज गोइंग टू बी एफ। अब देखिए कौन सा रहेगा हमारे पास, हाउ फिट फॉर अदर रेफरेंस अंडरगोइंग डिस्क्रिप्शन सम अबाउट स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हाउ बेबी ऑटर ग्रोज। हमारे पास ये रह गया कंफ्लिक्टिंग ओपिनियन और लॉ, कंफ्लिक्टिंग ओपिनियन और लॉ, दीज आर लेफ्ट। अब इसके बाद देखें, तो दिस इज द लास्ट पैराग्राफ, तो क्योंकि हमने सारे आंसर सही से निकले, हमें इतने पता लगे जी दो बच गए, इनके अंदर क्या लगना चाहिए, जी ही लगना चाहिए बस। चलिए है ना, अगर हम सही से निकालेंगे तो हमें यहीं पे पता लग जाएगा जो बच गए वहां पे क्या लगेगा, जी। लेकिन ये हमारे पास टाइम है तो मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ क्या हुआ इसके अंदर। ऑटर पॉपुलेशन आर रिबॉर्न अक्रॉस द यूनाइटेड किंगडम विद पॉपुलेशन इंक्रीजिंग इन फ्यू रीजन वेयर दे रिमेन एंड एक्सपेंडिंग फ्रॉम दोज एरिया टू रेस्ट ऑफ द कंट्री। कह रहे हैं ऑटर की पॉपुलेशन है वो दोबारा से रिबॉर्न कर रही है, इकट्ठी हो रही है, कुछ रीजन में पॉपुलेशन इंक्रीज होती है और वहां से वो बाकी जगह पर फैल जाती है। दिस इज वर्चुअली कंप्लीटली ड्यू टू लेजिस्लेशन कंजर्वेटिव इनिशिएटिव हॉल्टिंग एंड रिवर्सिंग द इरोजन ऑफ अप्रोप्रिएट ऑटर हैबिटेट कैप्टिविटी फ्रॉम। कह रहे इसके बहुत सारे रीजन है, एक तो लॉ बने हुए हैं, कंजर्वेशन इनिशिएटिव है, हॉल्टिंग एंड रिवर्सिंग द इरोजन ऑफ, क्योंकि इरोजन को रोक लिया गया है, और कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम, चिड़ियाघर वगैरह में रख के भी इनको पैदा करें, तो दीज आर डिफरेंट वेज। मैनी पीपल बिलीव द रिलीजिंग कैप्टिव ब्रेड ऑटर इज द लास्ट, कई लोगों को ये लगता है कि जो हम चिड़ियाघर वगैरह में ऑटर को पैदा करेंगे और उसके बाद उसको छोड़ेंगे, यही अकेला तरीका है। अगर कुछ को ये लगता है तो कुछ को ये भी लगता होगा, ये नहीं है। हम ये कहते हैं मैनी पीपल बिलीव दिस, मतलब कुछ लोग हैं जो इससे उल्टा भी बिलीव करते हैं। ठीक है, द रीजनिंग इज दैट, रीजन द रीजन दैट इफ दे डोंट हैव सफिशिएंट हैबिटेट दे वोंट सर्वाइव आफ्टर बीइंग रिलीज, बट इफ दे डू नेचुरल पॉपुलेशन शुड बी एक्सपैंड इनटू द एरिया। रीजन क्या देते हैं कि कह रहे हैं कि अगर उनके पास हैबिटेट ही नहीं, उनके पास रहने की जगह ही नहीं है, जो उन्होंने हमने पहले ही खराब कर दी है, तो फिर अगर उनको वहां छोड़ भी देंगे तो वहां पर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, दिस इज द रीजन दैट दे आर गिविंग, बट इफ दे डू नेचुरल पॉपुलेशन शुड बी एक्सटेंडेड टू, तो कह रहे हैं अगर वो कर सकते हैं, अगर हैबिटेट है तो कह रहे फिर नेचुरल पॉपुलेशन को ही वहां पे छोड़ दो, कैप्टिव प्रोग्राम क्यों कर रहे हो। तो ये बेसिकली जो कैप्टिव प्रोग्राम है जो चिड़ियाघर में इनको पैदा करना है उसके ऊपर बहस हो रही है, कुछ कहते हैं ये करो, कुछ कहते हैं ये मत करो। री इंट्रोड्यूस एनिमल इंटू फ्रेगमेंटेड वल्नरेबल पॉपुलेशन ऑन द अदर हैंड मे प्रोवाइड जस्ट इनफ ड्राइव टू स्टेबलाइज एंड स्प्रेड अदर देन एक्सटिंक्शन। वो कह रहे हैं जो जो अपना फ्रेगमेंटेड और वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसकी जगह पे अगर हम दोबारा से इंट्रोड्यूस करेंगे एनिमल, इससे क्या होगा उनके जो जो स्टेबलाइज हो जाएगी और एक्सटिंक्शन जो है, बेसिकली ये कह रहे हैं कि यहां पर अगर हम उनको दोबारा से रीइंट्रोड्यूस करेंगे उनकी जो एक्सटिंक्शन है जो वो कम हो रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। दिस इज व्हाट द ऑटर ट्रस्ट वाज एबल टू अचीव इन नॉरफोक वेयर द ऑटर पॉपुलेशन वाज एस्टिमेटेड टू बी एज लो एज 20 एनिमल इन द अर्ली 1980। अब इन्होंने एग्जांपल दिया कि नॉरफोक के अंदर उन्होंने यही किया था, वहां पर एक टाइम पर सिर्फ 20 ऑटर रह गए थे और वहां पे वो उनका पॉपुलेशन क्या है वो बढ़ रही होगी।
The auto trust has completed its captivity program, which is fantastic news because it means the program is no longer required. कह रहे ऑटर ट्रस्ट ने ये प्रोग्राम खत्म कर लिया है, ये बहुत बढ़िया नहीं है, इसका मतलब ऑटर के लिए अब इसकी जरूरत नहीं है, जब दोबारा से कैप्टिव के अंदर चिड़ियाघर के अंदर बैठा के ऑटर को पैदा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब देखो अब इसके अंदर देखिए कंफ्लिक्टिंग ओपिनियन हमारे पास, हमने क्या देखा यहाँ पर, वो क्या कह रहे हैं, मैनी पीपल बिलीव, अब ये लोग कुछ लोग ये बिलीव करते हैं तो दूसरे लोग कुछ और बिलीव करते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, कंफ्लिक्टिंग ओपिनियन, क्योंकि जो कैप्टिव ब्रीड वाले हैं वो कह रहे हैं कि इनको ऐसे करना चाहिए बच जाएंगे, जबकि जो दूसरे बंदे वो क्या कह रहे हैं, अगर हैबिटेट होंगे तो वहां पे जो नॉर्मल है उनको ही ले आओ, वो वही बच जाएंगे, अगर वल्नरेबल होंगे तो कैप्टिव ब्रीड वाले भी वहां पर नहीं बच रहे, दो अलग अलग व्यू आ गए, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया जी, कंफ्लिक्टिंग ओपिनियन सेवन का आंसर क्या आ गया जी, रेफरेंस टू लॉ लेजिस्लेटिव, ये तो खैर एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड ही लिखा हुआ है यहां पर, Completely due to legislation. वहां पर legislative act लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है legislation. तो we can see हमारे सारे answer हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं. We have got all our answer. Seven का answer भी G और eight का answer भी क्या आ गया हमारे पास G. So I have solved this reading for you and I hope this will help you. जिन्होंने साथ साथ किनको पता भी लग गया होगा कितने सही और कितने गलत. तो बिफोर आई एंड दिस सेशन आई वुड आस्क यू कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज इट विल मोटिवेट अस टू ब्रिंग मोर सच वीडियोस. अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है आज की रीडिंग में, लिस्टिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में, ग्रामर के अंदर, सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर, कुछ आइडियाज जनरेशन के अंदर, किसी भी चीज में दिक्कत आ रही है, कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई रीडिंग समझ में नहीं आ रही, कोई क्यू कार्ड समझ में नहीं आ रहा, प्लीज आप हमें कमेंट करके बताएं, हम हमारी जो टीम है टारगेट नाइन की वो कोशिश करेगी कि हम उसके ऊपर भी वीडियो लेके आए या आपकी प्रॉब्लम हम उसको सॉल्व जरूर करें. ठीक है, और वो सारे बच्चे जो कि ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे डिटेल दे रखी हैं, आप वहां पे हमें कॉल कर सकते हैं, फ्री डेमो क्लास ले सकते हैं और हमारी टारगेट नाइन फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं. आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड यू विल हैव अ वंडरफुल डे अहेड. बाय.